workouts and the machines, they are not possible. First time, second. So first, the idea of doing this, the idea ये करने के लिए ये था क्योंकि दिशा एक extremely fit film है.
इवेंट का दिस होल आईडिया वाज बिकॉज़ विशुक की जो स्टार कास्ट है आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट स्टार कास्ट मतलब कोई भी फिल्म है दैट्स जैकलीन और हम लोग ये करना चाहते हैं जैकलीन और मेल जर्नलिस्ट के साथ तो तब आप लोग खुश हो सकते हैं बट अभी हम लोग सिर्फ फीमेल जर्नलिस्ट के साथ कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हियर इफ यू कैन गेट 3 मोर वॉलंटियर्स नाउ Only three at a time will come, meet all of them. Are you all ready to go back? So, what's your name? Uchha from Danny Bhaskar. What's your name? Garima. Okay guys, so I think we got three more volunteers, these girls. So I think the first beginning obviously John or me, both of them are Abu Dhabi. Okay guys, easy. तो जब जॉन और मैं वर्कआउट करते थे अबू धाबी में एक चीज थी जो हम लोग बहुत ज्यादा करते थे वो था वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ वी डोंट वार्म अप वी कैन एंजॉय योर सेल्फ मतलब तुम क्या या पहले तो यहाँ पे जितने सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं तबाता और तरह का खा सकते हो फ्रेंच फ्राइज कौन खाता है यहाँ पे अब उस तरह का ओके वार्म अप्स वेरी इंपॉर्टेंट और Varun, you want to just show them like how you were spot jog and how you warm? Come on, everybody cheer for Varun. Yeah, okay, girls, come on. Very nice.
आप इनके साथ कीजिए, ये हमारे मोबाइल फोन स्पेशल हम लोग और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, बट आई थिंक भीड़ बहुत ज्यादा है, आई थिंक इनको डर लग रहा है कि इनका जिम टूट ना जाए, तो I think ये लोग रोल मॉडल्स हैं जॉन, यहाँ पे काम करते थे पहले से. The gym has been big goals in the case of John Abraham and now Arun has done. Thank you so much. Thank you so much. But thank you for the entire media to come here. ये खाली एक छोटा एक्सरसाइज था. विशुम का आई थिंक जैकलीन हमें ज्वाइन करने वाली है 11 से, तो तब हम दूसरे एक्सरसाइजेस भी दिखाएंगे आपको. Okay guys, stay fit and stay strong. एक रिलीजन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में वेयर रिलीजन रूल्स द वर्ल्ड, फॉर मी फिटनेस इज द ओनली रिलीजन. और इन माय ग्रोइंग अप डेज एक ही आदमी को मैं देखता था, वो दैट वाज सिल्वेस्टर स्टालोन. रॉकी के जितने सारे सीरीज हैं मैंने देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और स्टालोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स. आई लव इट. आई थिंक फॉर मी growing up, I grew up being very inspired by wrestling, by WWE and now by UFC. So, aajkal UFC mein itne fighters hai, jaise Silva, Gomez, McGregor. So, I don't know if people know about McGregor. I think wo bahut zyada fit hai. He does mixture of different martial arts and weight training and fighting. So, I think MMA is the new way of being fit today. वरुण, आज की जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के बारे में जब आप दोनों लोगों को बताया गया तो एग्जैक्टली क्या फ्रेम ऑफ माइंड था कि आपको मीडिया के गर्ल्स के साथ आज ये वरुण ने सोचा कि हमें पूरा जिम मिलेगा बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड टू ट्रेन एवरीबडी वेरी सीरियसली. उसको ही हैड दिस इंप्रेशन कि अगर पूरा जिम मिले तो हम लोग दोनों सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन करेंगे ठीक तरीके से. बट We've got a nice area and हमें अच्छा लगा. I think वरुण ने काफ़ी सारे टिप्स दिए to the girls. You are happy with the tips? आई थिंक द आइडिया वॉज दैट जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं एंड आई थिंक रेगुलरली आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है, बट स्टिल दैट मीन्स यू शुड गो टू द जिम, यू स्टिल शुड गो वर्कआउट अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि वर्किंग आउट शुडंट टायर यू, एक्चुअली इट शुड रीजुविनेट यू. तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डम्बल उठा उठा के अपने आप को इंजर करें. एंड आई थिंक जॉन जिसके पास इतने मसल्स है, ही इज समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं. एंड स्पेशली आप सबके लिए आई जेन्यूनली मीन दिस, बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो, जैसे अभी ही इज़ हंचिंग एंड ही इज़ होल्डिंग द कैमरा. एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो इट्स नॉट एंड जेन्यूनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और बहुत, और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं. बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप घर पे जाते हो, आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो,
बट एटलीस्ट एक घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए, अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट। हाँ जी, मोटिवेट करना चाहिए खुद को, मोटिवेट करना चाहिए मतलब यू नो यू कैन अ ट्रेनर कैन गेट यू टू द जिम, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बेंचमार्क रखना चाहिए आपके लिए, आपके खुद के लिए। सी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू गेट टू द जिम इज माई डैड। ही डजेंट अग्री, वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात। बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट क्योंकि मेरी भाई की शादी हो गई, आई सर आपको यू वांट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वांट टू डू, तो तब नाउ यू सी ही स्टार्ट गोइंग टू द जिम, ही इज गोइंग फॉर वॉक, ही इज स्विमिंग, ही इज लॉस्ट लिटिल वेट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ। एंड जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आप लोगों की तस्वीरें भी आई थी जिम से, उस तस्वीरें साके वरुण वगैरह डाल देते, वो क्या चल रहा था एग्जैक्टली वरुण, आप या शेयर करना चाहते? जी, आई थिंक वरुण एंड आई मतलब वी रियली गॉट अलोंग ऑफ द सेट, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ व्हेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगी फिल्म के अंदर इज आर केमिस्ट्री। तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे, हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट। एंड कैसे आप कर पाते हैं, कुछ खाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप लोग खा नहीं पाते, आप दोनों अगर शेयर करें कि ये बहुत खाते हैं, यानी कुछ मीठा या कुछ ऐसा मीठा भी खाते हैं। तो जॉन, व्हाट डू यू ईट, जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है, सो हम लोग जंक फूड खाते हैं। जॉन एब्राहम, आप क्या खाते हैं? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स अ बेस्ट नेचुरल शुगर या गुड़ हनी, या हनी बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ। वेन एवर एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट पे और जॉन और मेरे साथ, तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है एंड जस्ट बिफोर जॉन पंच करने जा रहे थे सडनली बोले मैं हनी, तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपा है जैसे स्पिनिच खा के सब बेच रहे सडनली, तो मैं और साकिब उधर बोट पे बैठ के जॉन को ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है, मैंने तो बहुत बार हनी खाया ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद साकिब और मैंने भी हनी लिया, हम लोग ने ऐसे किया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं पर इट वॉज गुड, आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था, बट कुछ उनको हनी के साथ क्या होता है जॉन, द बॉडी व्हाई डज द बॉडी बिहेव लाइक दैट? ये है कि मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ, बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए, और जब भी हनी खाता हूँ मैं द ब्लड अब्सॉर्ब्स द हनी इमिडिएटली, ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं। एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर विमेन क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज, बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है। मैं इतना ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए, उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज मोर प्रोटीन। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने छोड़ दी और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, एंड व्हेन वी वर इन अबू धाबी फॉर 40 डे, मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माय मेटाबॉलिज्म इज़ प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली, बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज़्ज़ा नहीं छुआ, मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे, बट पिज़्ज़ा इज़ अ वीकनेस फॉर मी एंड समटाइम्स ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट यू नो यू गेट सब खुश हो गए, मेल्टेड ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं मेल्टेड चॉकलेट। So this is the song is going to be out on 12th Tuesday ko release karenge hum log aap sab ke saath, but before that one tip that I got from John jo maine Pariniti ko diya tha because she was on a diet, you know, water she had lessened and salt she had lessened,
बहुत वीक फील कर रही थी बीच में कभी, तो शी सेइंग आई नीड समथिंग और मेरे दिमाग में वो बबल आया, हाँ जॉन ने हनी लिया था, आई सेड आई हैव हनी, सो वेरी गुड फॉर यू समवन टोल्ड मी, तो आई गेव अ हनी, आई एम नॉट जोकिंग, वी आई गेव अ लॉट ऑफ हनी, बट उसने काफ़ी हनी खा लिया था, तो बहुत तंदुरुस्त हो गई। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में नॉर्मल एग वाइट ओटमील फ्रूट सब कुछ, ब्रेकफास्ट इज हैवी। आई थिंक एवरीबडी इन द फैमिली इज इन द मैं कुछ टिप्स नहीं देता हूँ, मैं किसी को टिप्स देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ टिप्स लेता हूँ, मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। He's a very good This man here, jackhammer and sledgehammer. आई थिंक वो एक फेस था जो बहुत बड़ा फेस था, सिक्स पैक्स का, एट पैक्स का, बट आई थिंक वीव नाउ गॉन बैक टू अन अदर टाइप ऑफ फेस वे बींग जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने फिट है, अवॉइड्स इंजरीज और आज तक इतने यंग दिखते हैं। आई थिंक जॉन एडमायर्स अक्षय फिटनेस एज वेल, ट्रिमेंडस फिटनेस आई थिंक दैट अक्षय हैज़, एंड एज एन एक्टर आई थिंक मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने बॉडी को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, इट बी ग्रेट आई थिंक। लड़की को इम्प्रेस करने को क्या, लड़की इन फिटनेस बिल्ड योर लेग्स नॉट योर बाइसेप्स। या अगर आपको आई थिंक टफेस्ट पार्ट इज कि आप मतलब सब चीज़ों के लिए, हाइट के लिए यू कैन प्रिपेयर फॉर द हार्नेसिंग, यू कैन प्रिपेयर जो विंड का वेलोसिटी है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड द विंड इज हिटिंग यू एट दैट स्पीड यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, तो वो होता है ना जब वो स्किन पीछे ऐसे ऐसे जाता है स्लो मोशन में, तो वो एक्चुअली हो रहा था हम लोग के साथ, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हीरो दिखे और वो जॉ लाइन को क्लेंज करके अच्छे दिखे, बट वो पूरा स्किन पीछे फ्लाई कर रहा था, बट या आई थिंक इट वाज वेरी टफ, क्योंकि वो जो सीक्वेंस था वो नॉट ओनली वाज इट द मोस्ट एक्सपेंसिव सीक्वेंस एवर शॉट, आई थिंक इट वाज आल्सो द मोस्ट डेंजरस, तो वरुण का ये फर्स्ट टाइम था, सो ऑनेस्टली आई गिव हिम क्रेडिट, क्योंकि बहुत आसान होता है बोला कि यू नो आई कैन डू दिस, लेकिन जिस तरीके से वरुण हैज एक्चुअली कैरीड ऑफ द फर्स्ट टाइम वाज फैंटास्टिक, इट्स इम्पॉसिबल, वरुण इज फैंटास्टिक, एंड जब भी मैं वरुण को देखता हूँ व्हेन ही इज डांसिंग, आई लुक एट हिज फीट एंड आई थिंक कि दे आर मूविंग सो फास्ट, व्हाट्स हैपनिंग, बट ही इज रियली 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 फैंटास्टिक। Thank you guys, thank you so much, thank you guys, July 29 Dishom, thank you guys.